işimde Allah, ilimde Allah, zikrimde Allah, fikrimde Allah, aklımda Allah, aşkımda Allah, aslımda Allah, kanımda Allah. Hasbi Rabbi Cellallah, ma fi kalbi gayrullah, Nur Muhammed Sallallah, la ilahe. अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या बात है, आप दोनों खेल रहे हैं और आप रो रहे हैं। अच्छा, मतलब आपको मार पड़ी है इसलिए आप रो रहे हो और आप दोनों खेल रहे हो। तो मैं आपका नाम पूछूंगा, आपका नाम क्या है? आपका नाम? आपका? माशाल्लाह। तो देखो बेटा, आप रो मत, आप रोइए मत। आप दोनों अपने अम्मी अब्बा का कहना मानते होंगे ना? नहीं मानते? आप दोनों भी नहीं मानते? अच्छा सुनो मेरी गुफ्तगू, आप कहना माना करो, हाँ उल्टा जवाब नहीं देना चाहिए माँ बाप को। अम्मी अब्बा का कहना आप नहीं मानोगे तो कौन मानेगा? और आप माँ बाप का कहना मानोगे, उनकी दुआ लोगे तो आप कामयाब हो जाओगे। आप लोग स्कूल जाते हो कि नहीं जाते हो? स्कूल देखो कितने अच्छे बच्चे आप लोग। और आपने इनसे क्या कहा? मैं आ रहा था, मैं सुन रहा था। आपने कहा मैं भी नहीं मानता, तो देखो ये गलत बात है। हाँ अच्छे दोस्तों के साथ फिर आप इनको अच्छी चीज़ सिखाओ। आप बड़े ना या आपके दोस्त हैं छोटे, तो आप इनको अच्छी बात बताया करो। और आप भी मायूस मत हो, हाँ अम्मी अब्बा का कहना मानो, वो आपको नहीं मारेंगे, आपसे अच्छे से बात करेंगे। मेरे प्यारे आपा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, यहाँ एक पैगाम देना चाहूँगा माँ बाप को कि माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करें। आज बहुत सारे बच्चे जो बदतमीजगी करते हैं, उल्टा जवाब देते हैं, माँ बाप को घूर के देखते हैं, 10 के सामने माँ बाप के साथ में गलत रवैया इख्तियार करते हैं, उसकी एक वजह ये भी है कि माँ बाप बचपने से बच्चों को ढील देते हैं। और अगर वो गलती करते हैं तो कहते हैं बच्चा ही तो है, अब बड़ा हो जाएगा तो सुधर जाएगा। तो देखिए मैं आपसे कहना चाहूँगा, एक बुज़ुर्ग का फरमान है कि बच्चा जब 7 साल तक रहे ना, तो इस 7 साल की उम्र तक बच्चे के नाज़ो नाम को उठाए और खूब उसके साथ में अच्छे से पेश आए, नरमी का मिजाज रखे, उसकी हर बात माने, उसकी तबीयत का उस खूब ख्याल रखे। लेकिन जब बच्चा 7 साल की उम्र को पार कर ले जाए तो फिर माँ बाप को चाहिए कि अब उसे हुक्म दे नमाज का, अब उसे हुक्म दे रोज़ा रखने का, अब उसे हुक्म दे माँ बाप का, उस्ताद का और घर में जो बड़े हजरात हैं उनका अदब करने का। लेकिन अक्सर मैंने देखा ऐसा होता नहीं है। आपने जैसे अभी देखा, ये बच्चा रो रहा था, ये बच्चे को इसके वालिदैन ने मारा और ये दोनों बच्चे खेल रहे थे। लेकिन ये दोनों बच्चे अपने अम्मी अब्बा का कहना नहीं मानते, ये खेलते रहते हैं। तो मैं इनसे भी कहूँगा कि आप लोग खेला करें, लेकिन पहले माँ बाप आपको किसी चीज़ के करने का हुक्म दे तो आप उसको माना करो। मानेंगे इंशाल्लाह? है ना, आप आज से अम्मी अब्बा का कहना माने, आप माँ बाप का कहना मानेंगे तो इंशाल्लाह ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगे। और मैं माँ बाप से भी कहूँगा कि वो बच्चों की अच्छी तरबियत करें, उनके दोस्तों का सर्कल क्या है वो ये भी देखें, वरना बहुत सारे दोस्त ऐसे होते हैं कि जो बुरी सोहबत की वजह से आपके बेटे को भी बुरा बना देते हैं। तो आप ये भी देखें मेरा बच्चा किसके साथ उठता बैठता है, किसके साथ खाता पीता है, किसके साथ खेलता है। अगर अच्छी तरबियत होगी तो इंशाल्लाह आपका बच्चा कामयाब होगा, वो बच्चा आपकी आँखों के लिए ठंडक बनेगा, बाद मरने के आपके लिए इसाले सवाब का जरिया बनेगा।